निरीक्षक आरपीएफ नागपुर उप निरीक्षक विजय पाल सिंह और स्टाफ के साथ रात्रि गश्त के दौरान समय लगभग 12:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन नंबर 02887 के कोच नंबर 5 में चेक करने पर गांजा जैसी महक आने पर उक्त कोच के बाथरूम को चेक करने पर प्लाईबोर्ड के अंदर छुपाया गया गांजा के बंडल लावारिस हालत में दिखाई दिए। गांजा के बंडल को आरक्षक राजू मीणा ने प्लाई बोर्ड के अंदर से निकालकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नीचे उतार कर रखा और उप निरीक्षक विजयपाल सिंह ने ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से संदिग्ध बाबत पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। घटनास्थल पर राजपत्रित अधिकारी कोटा जोजी सहायक सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ नागपुर के समक्ष उप निरीक्षक सचिन दलाल द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 19 बंडल गांजा जिनका कुल वजन 38.676 किलोग्राम कीमत अंदाजन 386,760 रुपए को अग्रिम कार्रवाई के लिए लोहमार्ग पुलिस नागपुर को सुपुर्द करने पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उपरोक्त कार्रवाई आशुतोष पांडे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के मार्गदर्शन में की गई। दिनांक 13-14 की जो नाइट थी उसमें मैं स्वयं और यहाँ के शिफ्ट इंचार्ज के साथ और ड्यूटी स्टाफ के साथ प्लेटफॉर्म पर राउंड कर रहे थे। रात्रि गश्त के दौरान समय लगभग 00:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर समता एक्सप्रेस आई थी। उस गाड़ी को चेक करते समय D5 जनरल कोच को चेक किया तो उसमें कुछ गांजे जैसी महक आ रही थी। इस आधार पर हमने गाड़ी के कोच को चेक किया। कोच चेक करने पर उसके बाथरूम के जो ऊपर जो प्लाई बनी रहती है, प्लाई में से कुछ हमें पैकेट्स दिखाई दिए, जिसको हमने खोल कर चेक किया तो उसके अंदर से गांजे के टोटल 19 पैकेट मिले, तो जिनको हमने पंचनामा के तहत सीज किया। सीज करने पर उसका वजन किया तो उसमें 38 kg गांजा प्राप्त हुआ, जिसको अग्रिम कार्य हेतु GRP को सुपुर्द किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।